नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आप सबका स्टडी नाइनटी वन परिवार में बहुत बहुत स्वागत है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि समय वीडियो का री एग्जाम चल रहा होगा और जिन बच्चों का एग्जाम है आज उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं आपको और मैं चाहता हूं कि आपका जो समय है दो घंटे का ये आपके जीवन का सबसे बेहतर समय हो और जितने बच्चे जा रहे हैं देने वीडियो का एग्ज़ाम और बहुत से बच्चों का एक पाली का एग्ज़ाम समाप्त हो गया होगा और दूसरे पाली का एग्ज़ाम शुरू होने वाला होगा तो सभी बच्चों को आज के लिए और कल के लिए एडवांस में आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाइयाँ तो आप जाइए आपकी जिनने जो मेहनत किया है तो मैं चाहता हूँ कि माता

जय हिंद तो आइए आज देखो मैं एक कॉमन चैप्टर लेकर आया हूं और यहां पर आप सब देख सकते हैं कि अल्फ़ाबेट तो आज अल्फाबेट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्टों को लेकर चलेंगे और मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा सा एक दो दिन ऐसे चलेगा जब तक आपका वीडियो का एग्जाम चल रहा है इसके बाद जो है रिटर्न जब आप लोग वापस आएंगे तो फिर यूपी पुलिस का टारगेट हम लोग लेकर चलेंगे पहले यूपी पुलिस को लेकर मैं आपको जो है चैप्टर वाइज बेसिक तरीके से रीजनिंग आपकी कंप्लीट करूंगा और इसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस का टारगेट बनाएंगे तो ये जो क्लास आने वाली है सभी बच्चों के लिए बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत होगी जो नए हैं जो पुराने हैं जो सीख चुके हैं उनके लिए रिवीजन करने का अच्छा अवसर मिलेगा और जो बच्चे अभी सीखना चाहते हैं यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए जो आपके भाई बहन है सब लोग उनको जो है जोड़िए और बताइए कि आइए आप जो है बिल्कुल बेसिक लेवल से और मैं वादा करता हूँ कि अगर आपने एक बार बढ़िया से पढ़ लिया मेरे साथ में तो मैं आपको रीजनिंग सिखा दूंगा इसकी मेरी गारंटी है ठीक है तो चलिए दोस्तों तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन की तो आगे बढ़ने से पहले यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री का जो बैच है जो स्टडी नाइनटी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है और इसके बाद इस यहां पर सामान्य हिंदी का फॉर ऑल कंपिटेटिव एग्जाम के लिए नया बैच आपका प्रोवाइड किया गया है अगर इनमें से आप किसी भी बैच के साथ आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं तो बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि हमारे सामने आज अल्फाबेट से रिलेटेड कैसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे तो अल्फाबेट से रिलेटेड होंगे और सारे क्वेश्चन जो है वर्णमाला से रिलेटेड है और एक एक करके आपको आंसर देना है नॉर्मल होता है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आसानी से इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर सकते हो तो क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों पर है पहला. तो पहले को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि पहले का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है तो इसके लिए दोस्तों एक आपको फार्मूला याद रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जब लेफ्ट और राइट की बात करेगा तो उसको आपको प्लस करना है और जब राइट right और लेफ्ट की बात करेगा तब भी आपको उसको प्लस करना है जब लेफ्ट और लेफ्ट की बात करेगा तो आप उसको माइनस करेंगे और जब राइट right और राइट right की बात करेगा तब भी आप उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे बस इतना आपको ध्यान देना है तो लेफ्ट राइट प्लस होता है राइट लेफ्ट प्लस होता है लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है और राइट right, राइट right, क्या होता है माइनस होता है देखिए अंग्रेजी वर्णमाला की अगर बात करें तो जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है ए से जड़ तक तो ए की तरफ से जो आपका होता है वो बाया होता है और जड़ की तरफ से क्या होता है दाया होता है अगर कहता है कि बाई से तीसरा

कि कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है किस अक्षर की क्या प्लेस वैल्यू है ये बात आप सबको याद होनी चाहिए अगर इतनी चीजें आपको याद हैं तो प्रश्न को करने में कोई तकलीफ आपको नहीं होगी तो प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से तो बोल रहा है कि दाएं से चौदहवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर क्या होगा तो हमें पता है कि यहाँ पर राइट और लेफ्ट है तो राइट और लेफ्ट क्या होता है प्लस तो यहाँ पर चौदह और सात को जोड़ देंगे तो राइट से कितना आएगा सात चार ग्यारह इक्कीसवां अब राइट से इक्कीसवां अक्षर पूछ रहा है तो आप सबको पता होना चाहिए कि राइट से इक्कीसवां

ही हो जाएगा तो उम्मीद करता हूं कि यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी और इसी प्रकार से एक एक करके आपको जो है आगे बढ़ना है तो पहले का तीसरा वाला आंसर दोस्तों एफ के रूप में यहां आप पर आपको मिल जाएगा आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक के बाद क्वेश्चन नंबर दो की तरफ क्वेश्चन नंबर दो इसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है इसको ध्यान से पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए आपसे पूछ क्या रहा है करा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में फर्स्ट स्टेप को मतलब प्रथम अर्धांश को पूर्वार्ध का मतलब होता है प्रथम अर्धांश फर्स्ट स्टेप उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर आपके दाई ओर से उन्नीसवा अक्षर होगा तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है सेकेंड को ध्यान से पढ़ लें और बताएं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो प्रश्न बोल रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो आपके दाई ओर से उन्नीसवां अक्षर क्या होगा तो राइट से उन्नीसवा पूछ रहा है तो पहले राइट से उन्नीसवा तो दोस्तों पहले राइट के वैल्यू को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो तो सत्ताईस में उन्नीस घटाएंगे तो यहां पर बचेगा लेफ्ट एट और जब लेफ्ट एट आ रहा है तो एक वैल्यू किस हाफ की है बाई से आठवां अक्षर फर्स्ट हाफ का वैल्यू होता है क्योंकि प्रथम अर्धांश होता है एक से लेकर

होगा वो सेकंड में जाएगा और अगर आपने दूसरे का सेकेंड वाला आंसर एफ किया होगा तो प्रश्न आपका निश्चित रूप से क्या करेगा सही हो जाएगा तो इस प्रकार से प्रश्नों को आपको जो है करते हैं तो देखो जैसे दोस्तों अगर यहाँ पर बेसिक तरीके से करेंगे, तब भी आपको, आपको, तो आपको, आपको दिखाऊं तो उसने बोला है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो प्रथम अर्धांश को अगर उल्टे क्रम में लिखेंगे तो ए से एम तक को उल्टा करेंगे तो यहां पर एम आ जाएगा एम से पहले क्या आएगा एल एल से पहले के आएगा और के से पहले जे आएगा फिर आई आएगा फिर एच आएगा फिर जी आएगा फिर एफ आएगा फिर ई e आएगा और इसके बाद डी आएगा सी आएगा और बी आएगा और ए आएगा तो ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के उल्टा कर लिया इसके बाद वाई तो और जेड ये हो गया ये बिल्कुल बेसिक तरीका है उसने कहा है तो कौन सा अक्षर आपके दाई से उन्नीसवा तो दाई और से उन्नीसवा तो, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस

तो क्वेश्चन ये है आपका कि अंग्रेजी में अक्षर तो सही आंसर कर पाते हैं चाहे तो आप बेसिक तरीके से कर लो अगर आपको शॉर्टकट कॉन्सेप्ट कांसर्ट इसका पता है तो शॉर्टकट से कर लो जैसे भी उम्मीद है आप कर लो इसके बाद में बताता हूं तो कोशिश करिए प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग किया जाएगा तो दोस्तों अगर इसको बेसिक तरीके से अगर करने का प्रयास करेंगे तब भी आपको आंसर मिलेगा और बेसिक तरीके से करने का प्रयास नहीं करेंगे तब भी आपको आंसर मिलेगा तो देखिए क्या बोल रहा है कि बाई तो 20 से उन्नीसवा तो बाई से उन्नीसवां अक्षर क्या होता है एस होता है और बाय से सातवां बाई से सातवां अक्षर क्या होता है जी होता है इतनी बात समझ में आ गई अब इनके बीच में अक्षरों की संख्या की बात कर रहा है तो बीच में एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बीच में कितने अक्षर हैं ग्यारह उसने बोला कि एस और जी के मध्य में कौन सा अक्षर कोई एक अक्षर की बात कर रहा है अगर बीच में ग्यारह है तो पांच इधर पांच इधर तो एक दो तीन चार पांच इधर एक दो तीन चार पांच इधर तो ठीक बीच में क्या मिला एम तो इस प्रश्न काफ्ट M. और M तो लेफ्ट तो में है तो लेफ्ट और लेफ्ट की वैल्यू को जोड़कर दो से भाग दे दो तो उन्नीस और सात को जोड़ेंगे तो उन्नीस और सात के जोड़ेंगे तो यहां पर कितना आएगा छब्बीस छब्बीस बटे दो कितना बचेगा तेरह और यहाँ लेफ्ट तेरा आएगा क्योंकि लेफ्ट और लेफ्ट को आपने जोड़ा है तो लेफ्ट तेरह आएगा और बाएं से हुआ अक्षर किसकी प्लेस वैल्यू होती है एम की प्लेस वैल्यू होती है तो लेफ्ट तेरा के लिए जो आंसर आपका आएगा वो किस में जाएगा एम में जाएगा तो देखिए दोस्तों मैं आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ तो ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों अगर चीज़ों को देखें या समझने का प्रयास करें तो ये बिल्कुल प्रैक्टिस के उद्देश्य चीज़ें हैं अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि इसके बाद सत्ताईस के बाद अट्ठाईस या उनतीस तारीख से जो भी क्लास है मैं आप सबके सामने लेकर आऊंगा उसमें बिल्कुल बेसिक तरीके से जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे और एक एक करके सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ में आगे बढ़ेंगे ठीक है और यूपीपीपी की जो आपकी तैयारी होगी उसमें जो है चार चांद लगाना मेरा काम है बस आपको मेरे साथ में में मेहनत करना होगा यूपी पुलिस अगर किसी सब्जेक्ट का सबसे बड़ा रोल है तो वो है रीजनिंग अगर रीजनिंग में आप काम नहीं कर पाते हो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो पचपन क्वेश्चन में से अगर आप पचास क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाते हो तो फिर वहां पर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है चलते हैं क्वेश्चन नंबर चार में ये आ गया क्वेश्चन नंबर चार चार को ध्यान से पढ़िएगा करा कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईस से पंद्रहवें अक्षर के दायी और चौथा अक्षर कौन सा होगा ये रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है तो विपरीत क्रम में लिखने के लिए बोला है तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला को पहले उल्टा लिखना पड़ेगा और इसके बाद आपको आंसर करना पड़ेगा तो चलो कोशिश करो और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा उसने बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईस से पंद्रहवें तो यहां पर बोला है कि बाई से पंद्रहवें अक्षर के दाई और चौथा अक्षर तो जब दोस्तों रिवर्स ऑर्डर में लिखने के लिए बोलता है तो एक बात आपको ध्यान देना कि रिवर्स करने के लिए आप यहां पर एक छोटा सा काम करेंगे छोटा काम ये करेंगे कि जो वैल्यू लेफ्ट में है उसको राइट में लिख लेंगे तो राइट पंद्रह लेफ्ट पंद्रह राइट पंद्रह में हो जाएगा और राइट फोर लेफ्ट फोर हो जाएगा अब राइट और लेफ्ट फार्मूला लगा देंगे तो राइट और लेफ्ट जुड़ेगा तो पंद्रह और चार कितना हो गया उन्नीस तो राइट उन्नीस आएगा अब राइट की वैल्यू को लेफ्ट में चेंज कर लो तो सत्ताईस में उन्नीस घटाएंगे तो सत्ताईस में उन्नीस घटाएंगे तो बाएं से आठवां और बाएँ से आठवां अक्षर क्या होता है एच और एच जहां भी होगा वो इस प्रश्न का आंसर होगा तो चार का जो आंसर होगा वो किसमें जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में और जिन बच्चों ने चार का ऑप्शन नंबर फर्स्ट किया होगा उन सभी बच्चों का ये प्रश्न क्या करेगा सही हो जाएगा तो अब दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो आपको है यहां पर जब भी प्रश्न में विपरीत क्रम की बात करेगा उल्टे क्रम में लिखने की बात करेगा तो जो भी लेफ्ट राइट में वैल्यू दी होगी तो लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर लेंगे राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे और जो आएगा उसको जोड़ लेंगे अगर वैल्यू राइट में आती है तो राइट की वैल्यू को लेफ्ट में चेंज कराना पड़ेगा अगर राइट से उन्नीसवां अक्षर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो काउंट कर लें तभी आपको एच ही मिलेगा अगर और समय बचाना चाहते हैं तो जो राइट की मान है उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो किससे घटाकर सत्ताईस से घटाकर तो सत्ताईस घटाएंगे 19 22 से आठवां और 22 से आठवां अक्षर आपको प्लेस वैल्यू याद है कि 22 से आठवां किसकी प्लेस वैल्यू होती है एच की क्योंकि तो राइट से 19वें किसकी प्लेस वैल्यू है ये वैल्यू आपको याद नहीं होती है तो अपनी आसानी के लिए जब भी कोई वैल्यू राइट में आती है उसको लेफ्ट में हम लोग क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं तो चार के बाद चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर पांच में यह आ गया क्वेश्चन नंबर पांच इसको ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि पांच का सही जवाब क्या होगा उसने कहा कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तो इस प्रकार से पूरी वर्णमाला आपके सामने है बोला क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में फिर से विपरीत क्रम का क्वेश्चन आया है तो जो राइट की वैल्यू है इसको लेफ्ट में चेंज कर लीजिएगा और जो लेफ्ट की वैल्यू है इसको राइट में चेंज कर लीजिएगा फिर बाद में जोड़ लीजिएगा आंसर आपको मिल जाएगा बताइए क्वेश्चन नंबर पांच का सही जवाब आप सब लोगों के अकॉर्डिंग किस में चला जाएगा पांच का आंसर आप लोगों को बताना है तो चलिए कोशिश करिए और बताइए क्वेश्चन नंबर पांच का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग किसमें जाएगा तो चलिए देख लेते हैं देखिए तो प्रश्न बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो से बोला है दाएं से ग्यारहवें अक्षर के दाईं और सातवां अक्षर कौन सा होगा उसने क्या बोला है कि दाईं से ग्यारहवें अक्षर के दाई और सातवां तो राइट की बैलू को लेफ्ट में चेंज करेंगे तो लेफ्ट इलेवन होगा

तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए देखो कंडीशन जैसे लेफ्ट और लेफ्ट क्या होता है लेफ्ट और लेफ्ट माइनस होता है इसके बाद राइट और राइट क्या होता है माइनस होता है इसके बाद लेफ्ट और राइट क्या होता है प्लस होता है इसके बाद राइट और लेफ्ट क्या होता है प्लस होता है कंडीशन सेम है लेफ्ट लेफ्ट या राइट right, राइट right है तो माइनस होगा लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट कंडीशन अब सेम नहीं है अपोजिट है तो प्लस होता है फिर से सुनो लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट होने पर कंडीशन सेम होने पर माइनस होता है और कंडीशन सेम ना होने पर जब लेफ्ट राइट right, या राइट right, लेफ्ट होगा अपोजिट होगा तो वहां पर क्या होता है प्लस होता है बस इतना सा फार्मूला होता है छोटा सा वही आपको यहाँ पर देखना पड़ता है आई बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चनों की तरफ क्वेश्चन नंबर छे में क्वेश्चन नंबर छे को ध्यान से पढ़िए करा कि अंग्रेजी वर्माला को विपरीत क्रम में लिखा जाए फिर से रिवर्स आर्डर का क्वेश्चन है इसको सॉल्व करिए और बताइए किसका सही आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं तो चलिए उम्मीद करता हूं कि अब तक आप लोगों का आंसर आ चुका होगा क्योंकि इसके दो तीन क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो तो उसने कहा है कि अंग्रेजी वर्माला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो उसने बोला है क्या उसने बोला है कि बाई से बारहवें अक्षर के दाई और सातवां तो जब भी विपरीत क्रम तो की बात करेगा तो लेफ्ट की वैल्यू को राइट में राइट की वैल्यू को लेफ्ट में तो लेफ्ट बारह है तो क्या हो जाएगा राइट बारह राइट सेवन है तो क्या हो जाएगा लेफ्ट सेवन राइट और लेफ्ट जुड़ेगा तो बारह और सात कितना हो गया उन्नीस तो कितना आएगा राइट उन्नीस अब राइट की वैल्यू को लेफ्ट में चेंज करेंगे तो सत्ताईस में उन्नीस घटाना पड़ेगा तो सत्ताईस में उन्नीस घटाएंगे तो लेफ्ट एट आएगा और बाईस से आठवां अक्षर क्या होता है एच और एच जहां भी होगा वो आपका आंसर होगा तो छ का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर तीन में जाएगा और जिन बच्चों ने छे का तीन वाला आंसर किया है उन सभी बच्चों का प्रश्न

तो चलिए अब देख लेते हैं आंसर आप लोगों का आ चुका होगा विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाई ओर से कितना बोला सत्रवा बाई ओर से सत्रवे अक्षर के दाएं कितना बोला है पांचवा तो लेफ्ट की वैल्यू को राइट में चेंज कर लेंगे तो कितना आएगा लेफ्ट राइट सत्रह और ये कितना आएगा लेफ्ट पांच तो सत्रह और पांच कितना हो गया राइट बाईस हो गया सत्ताईस में बाईस घटाएंगे तो जब सत्ताईस में हम बाईस घटाएंगे तो सत्ताईस में बाईस घटाएंगे तो जब सत्ताईस बाईस घटाएंगे कितना बचेगा तो यहां पर पांच बचेगा तो लेफ्ट पांच और लेफ्ट पांच किसकी प्लेस वैल्यू होती है ई की और ई कहा जाएगा ऑप्शन से नंबर सेकेंड में जाएगा तो सातवें का जो आंसर होगा वो सेकेंड में जाएगा अगर सातवें का सेकेंड वाला ई आंसर किया है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आठ में ये आ गया क्वेश्चन नंबर आठ आठ को ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए कि आठ का सही आंसर क्या होगा कह कि अंग्रेजी वर्माला में दाएं से पंद्रहवें अक्षर के बाईं ओर नौवां अक्षर कौन सा होगा ये तो सीधे सीधे पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्माला में दाएं से पंद्रहवें अक्षर के बाईं ओर नौवां अक्षर कौन सा होगा तो सीधा सीधा क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा तो इसमें ये का प्रश्न है सिंपल सा क्वेश्चन होता है सीधे सीधे पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में और अंग्रेजी वर्णमाला आपकी ए से जड़ तक होती है तो अंग्रेजी वर्णमाला में क्या बोला है कि दाएं से पंद्रहवें अक्षर के बाईं और क्या बोला है नौवा तो राइट और लेफ्ट को जोड़ोगे तो नौ पांच कितना हो गया चौबीस तो राइट चौबीस तो सत्ताईस में चौबीस घटा लो जब जब बैलू राइट में आती है उसको लेफ्ट में आपको लाना पड़ेगा तो सत्ताईस में चौबीस घटाओगे तो बाई से तीसरा बच तीन बचेगा और बाई से तीसरा अक्षर सी का होता है और सी का है ऑप्शन नंबर तीसरे में तो आठवें का जो आंसर होगा वो तीसरे में जाएगा और अगर आपने आठवें का तीसरा वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही हो जाएगा आठ के बाद चढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नौ में ये आ गया क्वेश्चन नंबर नौ नौ को ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए कि नौ का सही आंसर क्या होगा तो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाई छोर से ग्यारहवें अक्षर के दाई और छठवां अक्षर कौन सा होगा तो ये भी छोटा सा क्वेश्चन है तो ये भी सीधे सीधे सामान्य क्वेश्चन है इसमें कुछ आपको उल्टा रिवर्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है सीधे सीधे लेफ्ट और राइट के वैल्यू को जोड़ घटा ली जो भी उसमें बोल रहा है और उसके बाद देखिए कि उसमें कौन सा अक्षर आपको मिल रहा है तो नौ को करें और बताएं कि नौ का सही आंसर क्या होने वाला है तो कह है कि अंग्रेजी वर्माला में दाई छोर से ग्यारहवें क्या बोला है दोस्तों तो, बोला है, तो, से के और तो राइट राइट माइनस होता है तो ग्यारह छह घटाएंगे कितना क्योंकि तो 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 राइट की वैल्यू को लेफ्ट में चेंज करेंगे तो लेफ्ट बाईस आएगा और बाईस से में अक्षर वी की प्लेस वैल्यू होती है और वी का जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरे में तो नौ का जो आंसर आएगा तीसरे में जाएगा और अगर आपने नौ का तीसरा वाला किया है तो प्रश्न सही होगा

तो प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाई ओर से चौदहवें उसने क्या बोला है कि दाई ओर से चौदहवें अक्षर के बाई और छठवां तो उसने बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाई ओर से चौदहवें अक्षर के बाई और छठवां तो राइट और लेफ्ट जुड़ेगा तो चौदह और छह कितना हो गया तो यहां पर राइट छ चौदह छह कितना हो गया बीस हो गया तो राइट बीस हो गया तो राइट की वैल्यू को लेफ्ट में कन्वर्ट करा लो सत्ताइस में बीस घटा दो लेफ्ट सेवन आएगा और बाएं से सातवां अक्षर जी और जी कहा इनमें से कोई नहीं तो अंग्रेजी में ओर से चौदहवें अक्षर के बाई और छठवां अक्षर कौन सा होगा तो चौदह छह बीस तो सत्ताईस से बीस घटाएंगे बाएं से सातवां अक्षर जी और जी यहां पर कहीं पर है नहीं तो इनमें से कोई नहीं भी तो एक ऑप्शन है तो दसवें का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा चार में और अगर आपने दसवें का चार ऑप्शन किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही होगा दस के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर ग्यारह में ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11 11 को पढ़िए और बताइए कि 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा कोशिश करो और बताओ भाई ये भी छोटा सा क्वेश्चन है 11 वाला इसको ध्यान से पढ़ लीजिए करा कि अंग्रेजी वर्माला को विपरीत क्रम में लिखा जाए इस बार विपरीत क्रम की बात कर रहा है तो विपरीत क्रम को ध्यान से देख ले और बताएं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बोल रहा है कि दाएं से सातवें अक्षर के बाई और आठवा आठवां आथ तो दाएं से सातवें अक्षर के बाई और आठवां अक्षर क्या होगा तो राइट और लेफ्ट की बात करेंगे तो यहां पर सात और आठ कितना हो गया पंद्रह तो राइट पंद्रह हो गया राइट की वैल्यू को सॉरी देखो यहां पर विपरीत क्रम की बात कर रहा है ना तो लेफ्ट कितना हो जाएगा सेवन और राइट कितना हो जाएगा आठ जब विपरीत क्रम की बात करेगा तो लेफ्ट की वैल्यू को राइट में और राइट की वैल्यू को लेफ्ट में चेंज करना होता है तो राइट को चेंज करेंगे लेफ्ट सेवन लेफ्ट एट को लेफ्ट एट को चेंज करेंगे तो राइट एट सात और आठ कितना हो जाएगा पंद्रह तो लेफ्ट पंद्रह और बाएं से पंद्रवा अक्षर किसकी प्लेस वैल्यू होती है ओ की और ओ कहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर चार में तो ग्यारह का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा ऑप्शन नंबर चार में और जिन बच्चों ने ग्यारह का चार वाला आंसर ओ दिया होगा उन सभी का सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बारह में अंग्रेजी और में दाएं से अठारहवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा यह है क्वेश्चन नंबर बारह ये सीधे सीधे आपसे पूछ रहा है कोशिश करिए स्कोर बनाइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो चलो आप देख लेते हैं करा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से अठारवें अक्षर के दाएं तो बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से अठारवें अक्षर के दाएं सातवां तो यहां पर तो राइट और राइट माइनस होगा अठारह में सात घटाएंगे तो कितना बचेगा राइट ग्यारह तो राइट ग्यारह को सत्ताईस में ग्यारह घटा लेंगे तो सात में एक जाएगा छह तो सोलह 22 से सोलह और 22 से सोलवा अक्षर पी होता है और पी कहाँ जाएगा ऑप्शन से नंबर सेकंड में तो बारह का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा ऑप्शन से नंबर सेकंड में पी आंसर के रूप में मिलेगा दोस्तों और अगर आपने पी को आंसर के रूप में किया है तो निश्चित रूप से ये प्रश्न आपका सही होगा बारह के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर तेरह में ये आ गया क्वेश्चन नंबर तेरह थर्टीन थर्टीन को ध्यान से पढ़ ले और बताएं कि थर्टीन का सही आंसर क्या हो जाएगा की अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईस से पांचवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा आपसे पूछ रहा है तो चलो बताओ क्वेश्चन नंबर तेरह का सही आंसर क्या होगा अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा यह भी बोल रहा है कि विपरीत क्रम में लिखा जाए रिवर्स ऑर्डर में तो रिवर्स में पहले कर लेंगे फिर आंसर करेंगे आप लोग बोल रहा है यहां पर बाई से क्या बोल रहा है पांचवी अक्षर के दाई सातवां बाई से पांचवें अक्षर के दाएं सातवां अब उसने बोला है कि इसको क्या करना है विपरीत क्रम में लिखना है तो लेफ्ट पांच को विपरीत क्रम में करेंगे तो राइट पांच होगा इसको विपरीत क्रम में करेंगे तो लेफ्ट सेवन होगा तो पांच और सात कितना हो गया राइट बारह और राइट बाला को लेफ्ट सत्ताइस में घटा लो तो राइट की वैल्यू को लेफ्ट में चेंज करा लेंगे सत्ताईस में बारह था घटाएंगे बचेगा लेफ्ट पंद्रह और बाईस से पंद्रवा अक्षर क्या होता है ओ और ओ जहां भी होगा इस प्रश्न का आंसर होगा तो तेरह का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जाएगा और अगर आपने तेरा का फर्स्ट वाला आंसर किया है तो प्रश्न आपका हो जाएगा सही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में करा कराके अंग्रेजी वर्माला को विपरीत क्रम में यहां भी रिवर्स ऑर्डर की बात कर रहा है तो इसको भी क्वेश्चन को बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तेजी के साथ आंसर देते चलिए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा बस आपको आंसर देना है और सभी बच्चे जो है आंसर को देंगे बातचीत ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि अगर अभी भी सीरियस नहीं हुए तो समय निकल जाएगा और फिर बाद में दिक्कत होगी आप लोगों को जो है तो कह रहा है कि अंग्रेजी को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बोल रहा है से कितना बोल रहा है दस, से अक्षर के दाई और क्या बोल रहा है आठवां तो बाई से दसवें अक्षर के दाई और आठवां अक्षर क्या होगा विपरीत क्रम में लिखना है तो लेफ्ट टेन को लिख लेंगे राइट टेन में राइट एट को लिख लेंगे लेफ्ट एट में तो दस और आठ कितना हो गया अठारह तो ये हो जाएगा राइट अट्ठारह राइट की वैल्यू को लेफ्ट में चेंज कर लो किससे घटाकर सत्ताईस से तो सत्ताईस में अठारह घटाएंगे कितना बचेगा लेफ्ट नौ और बाएं से नौ अक्षर क्या होता है बाएं से नौ अक्षर आई होता है और आई कहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरे में तो फोर्टीन का जो आंसर होगा वो तो ऑप्शन नंबर तीसरे में जाएगा और जिन बच्चों ने फोर्टीन का तीसरा वाला किया है उन सभी का प्रश्न हो जाएगा सही आई चलते हैं क्वेश्चन नंबर पंद्रह में पंद्रह बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में यह भी रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है तो चलो इसको बनाओ और बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा ढेर सारे क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर के आपको देखने को मिले हैं तो तेजी से आंसर को बस देते चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बस प्रैक्टिस के रूप में आपको चीजों को लेकर चलना है कि जिससे जो है समस्या जो होगी वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी करा विपरीत क्रम में लिखा जाए तो क्या बोल रहा है कि बाई से अठारहवें अक्षर के बाई और सातवां है ना बाई से अठारवे अक्षर के बाई और सातवां तो यहां पर जब विपरीत क्रम की बात करता है तो लेफ्ट को राइट में तो राइट होगा लेफ्ट को राइट में तो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा राइट और राइट माइनस होगा तो सत्ताईस में तो ग्यारह घटा तो देंगे तो सात में एक जाएगा कितना आएगा छ यहां पर छे और बाईस से सोलह अक्षर क्या आएगा पी और पी कहा जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में तो पंद्रह का जो आंसर होगा वो सेकंड वाले में पी के रूप में आएगा चलते हैं क्वेश्चन नंबर सोलह में करा कि अगर उत्तरार्थ उत्तरार्थ का मतलब होता है पूर्वार्थ का मतलब होता है प्रथम अर्धांश और उत्तरार्थ का मतलब होता है आ, सेकेंड अर्धांश तो मतलब द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो क्या बोल रहा है कि बाई से बोल रहा है सत्रवीं बाई से सत्रहवें आपको यह ध्यान देना है, उसने को बोला है और द्वितीय अर्धांश जो होता है वो चौदह से लेकर छब्बीस तक होता है अगर वैल्यू चौदह से छब्बीस तक में जाएगी तब आपको उसको उल्टा करेंगे अगर वैल्यू फर्स्ट हाफ में एक से लेकर तेरह तक में आती है तो उसको उल्टा करने की रिवर्स करने की आवश्यकता नहीं होती है ये बात आपको ध्यान देना है बोल रहा है कि यहाँ पर 22 से सत्रह और 22 से चौदह तो यहाँ पर लेफ्ट और लेफ्ट क्या होगा माइनस तो सत्रह में चार घटा देंगे तो 22 से कितना बचेगा तेरह बाईस क्या बचेगा तेरह और बाईस से तेरहवा अक्षर किस हाफ की वैल्यू है उसने द्वितीय को उल्टा करने के लिए बोला है और बाईस से तेरवा तो एक से लेकर तेरह तक होता है फर्स्ट हाफ और 14 से लेकर 26 तक होता है सेकेंड हाफ अगर वैल्यू 14 से 26 तक में आती तब इसको 40 से घटाते अगर वैल्यू फर्स्ट हाफ में गई है तो कोई चेंजमेंट की आवश्यकता नहीं है और बाईस से तेरवा होता है एम और एम कहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में तो सोलह का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जाएगा ठीक है अगर वैल्यू सेकेंड हाफ में जाती क्योंकि द्वितीय अर्धांश उल्टा करना है जब द्वितीय अर्धांश उल्टा करेंगे तो फर्स्ट हाफ में कोई परिवर्तन नहीं होगा और अगर वैल्यू फर्स्ट हाफ में जाएगी तो तेरहवा अक्षर पर तेरवा अक्षर ही मिलेगा एम ही मिलेगा उसमें फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा ये बात आपको ध्यान देना है तो सोलह का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर एक में जाएगा अर्थात यहां पर उत्तर के रूप में आपको एम मिलेगा फिर से वही द्वितीय अध्यांस का क्वेश्चन है इसको भी करिए और बताइए करा कि अगर उत्तराध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाईस से सातवें अक्षर के दाएं पंद्रवा अक्षर कौन सा होगा सत्रह को ध्यान से पढ़ लीजिए कह रहा है कि उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाई से द्वितीय अर्धांश को क्या बोल रहा है द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बोल रहा है कि बाई से सातवें अक्षर के दाएं बाई से सातवें अक्षर के दाएं पंद्रवा अक्षर कौन सा होगा तो लेफ्ट और राइट को अगर जोड़ेंगे तो यहां पर सात और पंद्रह पंद्रह सात कितना हो जाएगा बाईस लेफ्ट बाईस होगा आपको पता है अब बाईस से बाईसवां अक्षर किस हाफ की, की वैल्यू है सेकेंड हाफ की तो उसने हाफ को उल्टा करने के लिए बोला है तो उल्टा करने के लिए ऑप्शन तो नंबर तीसरे में तो सत्रह का जो आंसर होगा वो तीसरे में जाएगा और अगर आपने सत्रह का तीसरा वाला किया है तो प्रश्न आपका सही होगा चलते हैं क्वेश्चन नंबर अठारह में करा कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाई से सातवाचवा होगा क्वेश्चन नंबर अठारह बोल रहा है कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से सातवें के बाएं पांचवां होगा तो चलो बताओ इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा चलो भाई बताओ तो कह रहा है कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाए से सातवें के आ, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से सातवें के बाएं पांचवा होगा तो वर्णमाला में कौन सा अक्षर बोल रहा है कि से के बाएं तो से सातवें सातवें के के पांचवा पांचवा तो राइट और लेफ्ट जुड़ेगा तो सात और पांच बारह राइट बारह तो राइट की वैल्यू को लेफ्ट में सत्ताईस में बारह घटा देंगे सात में दो गया पांच लेफ्ट पंद्रह और लेफ्ट पंद्रह में क्या मिलेगा ओ और ओ कहा जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरे में तो अगर आपने अठारह का तीसरा वाला ओ आंसर दिया है तो ये प्रश्न आपका क्या करेगा सही होगा अठारह का थर्ड में जाएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर उन्नीस में ये आ गया करा कि यदि यदि श्रृंखला के द्वितीय अर्धांश को यहाँ पर बोल रहा है ना वहां पर उत्तराध शब्द का प्रयोग किया था यहां पर द्वितीय अर्धांश बोल रहा है तो द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है तो बोल रहा है कि बाई से आठवें अक्षर के दाहिने बारवा अक्षर क्या होगा बताओ भैया बाएँ से आठवें अक्षर के दाएं बारवा तो लेफ्ट और राइट को जोड़ेंगे तो आठ और बारह बीस हो गया बैलू सेकेंड हाफ में है तो चालीस में अगर बीस घटाएंगे तो चालीस में बीस घटाएंगे तो बीस ही बचेगा तो बाईस से बीसवा अक्षर क्या होता है टी तो आंसर आपका टी ही आएगा ठीक तो तो है आपका आंसर टी आएगा क्योंकि अगर बैलू सेकेंड हाफ में जाती तो उसको चालीस से घटाना होता है तो चालीस में बीस घटाएंगे तो बीस ही बचेगा तो बाईस से बीसवा अक्षर क्या होता है टी होता है तो क्वेश्चन नंबर उन्नीस का जो आंसर होगा वो सेकेंड वाले में जाएगा उन्नीस का आंसर किस में जाएगा सेकेंड में आइए चलते हैं बीस में कह रहा है कि दी हुई श्रृंखला में बाई से तीसरे अक्षर के दाइने दसवें अक्षर के बाई सा अक्षर कौन सा होगा बताओ बीस का आंसर बताओ भाई क्वेश्चन नंबर बीस को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि बीस का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग किस में जाएगा कह रहा है कि दी हुई श्रृंखला में तो अक्षरों की श्रृंखला आपकी दी हुई है तो दी हुई श्रृंखला में बाई से क्या बोला है तीसरे अक्षर के दाहिने दसवें अक्षर के बाएं सातवें यही बोला है उसने बोला है कि दी हुई श्रृंखला में बाएं से तीसरे अक्षर के दाहिने ने दसवें दसवें अक्षर के बाएं सातवां तो लेफ्ट और राइट जुड़ेगा तो तीन और दस कितना हो गया तो लेफ्ट तेरा हो जाएगा ऑलवेज कंटीशर पो तो पहले होगा पहले क्या है एल तो एल तेरा इन दोनों को सॉल्व कर लिया ये वाला बच्चा इसको नीचे ले आए अब लेफ्ट सेवन बच गया अब लेफ्ट और लेफ्ट आएगा तो जब लेफ्ट और लेफ्ट आएगा तो लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है तो तेरह में सात क्या करेंगे घटा देंगे तो तेरह में सात घटाएंगे कितना बचेगा छह तो बाई से छठवां अक्षर क्या होता है एफ और एफ जहां भी होगा वो इसका आंसर होगा तो बीस का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर चार में जाएगा एफ आंसर के रूप में आएगा दोस्तों बीस का जो आंसर होगा वो चौथे में जाएगा बीस के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर इक्कीस करा कि दाएं से सातवें अक्षर के बाएं सातवां बोल रहा है कि दाएं से सातवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा बताओ भाई तो यहां पर सीधे सीधे आपसे पूछ रहा है तो राइट और लेफ्ट की जब बात करेगा तो उसने कहा है कि दाएं से सातवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर तो राइट और लेफ्ट जुड़ेगा तो सात और सात चौदह तो राइट फोर्टीन आएगा राइट right की वैल्यू को लेफ्ट में चेंज कराएंगे तो सत्ताईस में चौदह कटाएंगे तो कितना बचेगा तेरह और बाईस से 13वां अक्षर किसकी प्लेस वैल्यू होती है एम की प्लेस वैल्यू होती है तो इक्कीस का जो आंसर होगा वो तो ऑप्शन नंबर चार में एम आंसर के रूप में आपको यहां पर देखने को मिलेगा तो अगर इक्कीस का ऑप्शन नंबर फोर आप लोगों ने किया है तो यह प्रश्न आपका क्या करेगा सही हो जाएगा इक्कीस की बात चलेंगे क्वेश्चन नंबर बाईस में करा के यदि अंग्रेजी वर्माला के पूर्वार्ध को पूर्वार्ध मतलब होता है फर्स्ट स्टेप को का मतलब होता है फर्स्ट स्टेप मतलब प्रथम अर्धांश फर्स्ट स्टोक मतलब है प्रथम अर्धांश इसको आप लोग फर्स्ट हावर भी बोलते हो ठीक है ना फर्स्ट अर्धांश फर्स्ट हाफ इसको भी आप लोग बोलते हो इसको आप लोग क्या बोलते हो फर्स्ट हाफ फर्स्ट हाफ प्रथम अर्धांश तो यदि अंग्रेजी वर्माला के पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से सत्रवें क्या बोल रहा है कि बाएं से सत्रहवें के बाएं आठवां बाई से सत्रवें के बाई आठवां अक्षर कौन सा होगा बताओ भाई तो बाई से सत्रह में बाएं आठवां तो जब लेफ्ट और लेफ्ट की बात करता है तो जब लेफ्ट और लेफ्ट की बात करता है तो सत्रह में आठ घटा दो तो सत्रह में आठ घटा दो कितना बचेगा लेफ्ट नौ बचेगा ये वैल्यू किस में फर्स्ट हाफ में फर्स्ट हाफ में को, क्या बोला है उल्टा करना है तो चौदह में अगर नौ घटाएंगे तो कितना बचेगा नौ पांच चौदह तो लेफ्ट पांच आएगा और बाईस से पांचवा अक्षर किसकी प्लेस वैल्यू होती है ई की और ई का है ऑप्शन नंबर सेकंड में तो बाईस का जो आंसर होगा सेकंड वाले में जाएगा देख लीजिए आप लोगों ने क्या किया है और यहाँ पर आंसर क्या रहा है तो अगर आपका आंसर ई आया है तो प्रश्न आपका सही है क्योंकि यहां पर फर्स्ट हाफ में बैलू गई और फर्स्ट हाफ उल्टा करने के लिए चौदह से घटाते हैं और सेकंड हाफ उल्टा करने के लिए चालीस से घटाते हैं अगर सेकंड हाफ का प्रश्न होता है है ना तो यहां पर पांचवा आएगा ई और ई के रूप में क्या मिलेगा ऑप्शन से नंबर सेकेंड आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तेईस में कह रहा है कि यदि अगर पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों को उल्टे क्रम में लिखा दिया दिया लिख जाए इसका मतलब यह कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम और द्वितीय अर्धांश को अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया मतलब यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अर्धांस अर्धांस दो, अर्धांस दोनों अर्धांशों के अक्षरों को मतलब प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाई से तेरवा अक्षर क्या होगा यह आपको बताना है बताओ बाई से तेरहवा अक्षर क्या होगा तो कुछ करना थोड़ी ना है यहां पर आसान है क्वेश्चन देखिए क्या करना है बाईस से तेरवा अब आप ये देखो कि वैल्यू किस हाफ की है बाई से तेरवा फर्स्ट हाफ की और फर्स्ट हाफ की वैल्यू को चौदह में घटाते हैं चौदह में तेरह घटा दो बच्चे का लेफ्ट एक और बाई से पहला अक्षर ए होता है ए जहां भी होगा इसका आंसर होगा तो तेईस का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फोर में ए आएगा और जिन बच्चों ने ए आंसर के रूप में दिया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा सही हो जाएगा ए आंसर आएगा के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर चौबीस में ये आ गया क्वेश्चन नंबर चौबीस का सही आंसर क्या आएगा कि अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो उत्तरार्थ को उल्टे क्रम मतलब द्वितीय अर्धांश को सेकेंड हाफ को किसको बोल रहा है इस बार ये बोल रहा है कि सेकेंड हाफ को सेकेंड हाफ को द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बोल रहा है बाए से सातवें बाई से सातवें के दाई सत्र अक्षर कौन सा होगा तो चलो कोशिश करो आप लोग तो यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो लेफ्ट और राइट तो सत्रह और सात कितना हो गया चौबीस तो लेफ्ट कितना गया? आ गया चौबीस आ गया किस में जाएगी सेकेंड हाफ में सेकेंड हाफ को चालीस में घटाना होता है तो चालीस में चौबीस घटाएंगे तो 40 में अगर 24 हम घटाते हैं तो 10 में चार जाएगा 6, 16, तो बाईस से सोलवा अक्षर क्या मिलेगा पी और पी कहां है ऑप्शन नंबर चार में तो चौबीस का जो आंसर होगा ऑप्शन तो, हो 24, 24, तो चालीस में चौबीस घटाएंगे सोलह बचेगा और बाई से सोलवा अक्षर किसका होता है पी का मान होता है आई चलते हैं क्वेश्चन नंबर पच्चीस में बाई से सातवें अक्षर के दाएं क्या बोल रहा है बोल रहा है कि बाई से सातवें और दाएं से आठवें अक्षर के बीच और दाईं से आठवें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा इस बार आपको बीस का अक्षर बताना है तो बीस के अक्षर के क्वेश्चन अभी आप लोग इससे पहले कर चुके थे तो बाईं से सातवें और दाईं से आठवें तो अगर बेसिक तरीके से करेंगे तो बाईं से सातवा क्या मिलेगा जी मिलेगा है ना तो बाईं से सातवां क्या मिलेगा जी और दाईं से आठवां तो 1 2 और इसके बाद ही हो गया 3 4 5 6 7 8 क्या मिलेगा एस अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कौन सा अच्छा है तो बीच में कितने लोग हैं तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह तो पांच इधर कर दो एक दो तीन चार पांच इधर एक दो तीन चार पांच इधर तो एम मिलेगा तो इसका जो आंसर होगा एम आएगा इसका जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा एम आएगा अब देखो इसको करना कैसे ये तो हमने बेसिक तरीके से कर लिया शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं मान लो जैसे कह रहा है कि बाई से सातवें और दाएं से आठवें तो यहाँ पर जो वैल्यू राइट में है उसको लेफ्ट में कन्वर्ट मध्य की पोजीशन आप तभी निकाल सकते हो या तो वैल्यू लेफ्ट लेफ्ट में हो या तो राइट राइट में अगर शॉर्टकट तरीके से करना है तो आप करो क्या लेफ्ट सेवन है राइट right की वैल्यू को लेफ्ट में चेंज करा लो तो लेफ्ट में चेंज कराने के लिए आपको करना क्या होगा सत्ताईस में आठ घटाना घटाना पड़ेगा तो जब सत्ताईस तो बचेगा लेफ्ट सेवन तो सत्ताईस में आठ घटाओगे उन्नीस तो लेफ्ट कितना हो जाएगा उन्नीस और जब दोनों वैल्यू लेफ्ट और लेफ्ट में आ जाएंगी तो दोनों को जोड़कर दो से भाग देना है इससे पहले आपने ये किया काम किया था ना जब लेफ्ट और लेफ्ट में वैल्यू थी तो यहाँ पर सात और उन्नीस को आप जोड़ोगे और दो से भाग दोगे तो उन्नीस और सात कितना होता है छब्बीस छब्बीस बटे दो बाई से आएगा 13 और बाई से तेरवा अक्षर क्या होता है एम और एम यहां पर हमने पहले ही निकाल रखा है तो 25 का जो आंसर होगा वो लेफ्ट तो right तो तो right तो right और लेफ्ट से लेफ्ट right से आठवां अक्षर भी वही मिलेगा और लेफ्ट से उन्नीसवा अक्षर भी वही मिलेगा तो अक्षर क्या होता है बाय से उन्नीसवा अक्षर आपका एस होता है और राइट right से आठवां अक्षर भी आपका ऐसे ही मिलेगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है बस अपनी आसानी के लिए हम ऐसा करते हैं तो पच्चीस का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जाएगा आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर छब्बीस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कराए कि बाई से बीसवें बाई से बीसवें और दाएं से बीसवें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर है फिर से उसी प्रकार से प्रश्न है मध्य की पोजीशन पूछा है बताइए इसका आंसर क्या होगा उसने बोला है बाई से बीसवें और बोला है दाएं से में अक्षर के तो चलिए देखते हैं तो बाएं से में और राइट से बीस में तो यहां पर लेफ्ट ट्वेंटी होगा राइट की वैल्यू को लेफ्ट में चेंज करेंगे तो सत्ताईस में आप बीस घटाओगे तो सत्ताईस में बीस घटाओगे तो लेफ्ट ट्वेंटी आएगा सत्ताईस में अगर बीस घटाओगे तो लेफ्ट कितना आएगा सेवन तो बीस और सात कितना हो गया सत्ताईस सत्ताईस में अगर एक बात आपको ध्यान देना है अगर तो 20 और सात 27 तो यहां पर 27 में अगर दो से भाग दोगे तो 27 में अगर दो से भाग दोगे तो दो एक अन्नम दो आएगा और दो तेईस छह दो पंचे दस तो 13.5 आया तो लेफ्ट आया 13.5 अब तो 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 अच्छा उसको भी आपको लेना पड़ेगा ठीक है जस्ट जो अगला अक्षर अच्छा है उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा लेना पड़ेगा तो यहाँ पर जो आंसर के रूप में आएगा वो एम एन आंसर आएगा और एम एन साथ में कहीं नहीं दिया इसलिए इनमें से

तो राइट से बीस आपको क्या मिलेगा जी मिलेगा अब यहां पर कह रहा है कि इन दोनों के बीच में, बीच में में ठीक कौन सा है तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह है बीस में संख्या सम है अगर सम है तो बीच में कोई एक निकलेगा नहीं विषम होता तो आज ग्यारह होता तो पांच इधर पांच इधर इससे पहले कर लेते थे यहां पर बारह है तो जब बारह है तो एक दो तीन चार पांच इधर करिए एक दो तीन चार पांच इधर करिए आपकी बात ठीक बीस में दो लोग होंगे वो भी कौन से एम और एन तो ये आ जाएगा एम एन ये कंडीशन यहां पर लागू हो गई है तो छब्बीस का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर चार में जाएगा और अगर छब्बीस का चार वाला आप लोगों ने हिट कराया है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि यदि पूर्वार्ध या फर्स्ट स्टेप को मतलब कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध मतलब प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बोल रहा है दाएं से बोल रहा है दाई से पंद्रवें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा बोल रहा है दाएं से पंद्रहवें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा यदि प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में लिखा जाएगा तो पंद्रह चार कितना हो जाएगा उन्नीस तो राइट उन्नीस आएगा पहले राइट की वैल्यू को लेफ्ट में चेंज करा लो तो सत्ताइस में आप उन्नीस घटा लो तो सत्ताइस में उन्नीस घटाओगे तो कितना बचेगा आठ तो बाई से आठवां अक्षर ये फर्स्ट हाफ की वैल्यू है तो जब फर्स्ट हाफ की वैल्यू है तो चौदह में आठ घटाना पड़ेगा तो बचेगा कितना बाई से छ लेफ्ट छ और लेफ्ट छ किसकी प्लेस वैल्यू एफ की एफ कहां जाएगा ऑप्शन से नंबर सेकंड में तो सत्ताईस का जो आंसर होगा वो सेकंड में जाएगा और अगर आपने सत्ताईस का सेकेंड वाला आंसर किया है

साथ में आपका प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर आपको अवेलेबल कराया गया है बढ़ेंगे सीधे क्वेश्चनों की तरफ क्वेश्चन नंबर 28 में ये आ गया क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है करा कि यदि दी, दी गई दी गई नई श्रंखला में प्रत्येक स्वर हटा दिए जाए तो श्रंखला के बीच वाला अक्षर कौन सा होगा गजब का क्वेश्चन है कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कोशिश करो और बताओ किसका सही आंसर क्या होगा बताओ भैया क्या यहां पर किया जा सकता है ये आपको बताना है कोशिश करिए और बताइए किसका सही जवाब क्या होगा करा कि यदि यदि दी गई नई श्रृंखला में प्रत्येक स्वर हटा दिए जाए तो श्रृंखला के बीच वाला अक्षर कौन सा होगा तो श्रृंखला के बीच वाला अक्षर आपको बोल रहा है तो दोस्तों यहां पर अगर स्वरों को हटा दिया जाएगा तो जब स्वरों को हटा दिया जाएगा तो स्वर कितने होते हैं आ, स्वरों की संख्या कितनी होती है पांच तो पांच अक्षरों को हटा देंगे तो बाईस इक्कीस तो इक्कीस तो तो अक्षरों में ठीक मध्य में कौन सा आएगा ये आपको बताना है तो इक्कीस अक्षरों में ठीक मध्य में आपका कौन आएगा एम आएगा एन आएगा पी आएगा फिर क्यू आएगा तो चलो देख लेते हैं तो यहां पर इक्कीस में से दस इधर और दस इधर एक दो तीन चार इसको हटाना है चार एक नहीं नहीं, नहीं गड़बड़ हो जाएगा इसको हटा दीजिए इसको हटा दीजिए ए ई आई ओ यू इनको सबको हटाना है ठीक है अब कौन कह लो दस अक्षर अच्छा तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस इसको हटाया इधर से उधर से दोस्तों तो ठीक बीच में कौन मिलेगा एन और एन कहा जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में ठीक है ग्यारहवा छह ठीक बीच में होगा तो दस इधर से दस उधर से तो अट्ठाईस का जो आंसर होगा वो एन मिलेगा अगर आपने अट्ठाइस का एन आंसर किया है तो प्रश्न आपका क्या करेगा सही हो जाएगा 28 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में यदि प्रथम एवं द्वितीय अर्धांश के दोनों अर्धांश उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दोनों अर्धांश उल्टे क्रम में लिखा जाएगा तो बाएं से 11वें अक्षर के दाईं ओर छठवां अक्षर कौन सा होगा पूछ रहा है तो बाएं से 11वें अक्षर के दाईं ओर छठवां अक्षर कौन सा होगा यह पूछ रहा है तो लेफ्ट और राइट कितना हो गया जुड़ेगा तो 11 और 6 कितना हो गया 17

कितना चौथा अक्षर क्या होगा तो लेफ्ट लेफ्ट घट घटेगा पच्चीस में चार घटाएंगे तो लेफ्ट इक्कीस आएगा तो सेकेंड आपको उल्टा करना है तो चालीस में आप इक्कीस घटा दो बचेगा लेफ्ट उन्नीस